हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से लेकर आए जैसे हर बार की तरह से नई रेसिपी आए हैं। देखिए ये हम कितनी ज़बरदस्त बनाए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी है। इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये देखिए हम एक पहले लिए हैं सूजी, ये बारीक वाली सूजी है, ये हमको लेना है। ये देखिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको हम पैन चढ़ाए हैं चूल्हे पे, फिर ये जो सूजी लिए थे ना वो पैन में डाल दिए हैं। इसको हमको धीरे आंच पे ना धीरे धीरे हमको इसको थोड़ा सा गोल्डन भूनना है हल्का से बस, ठीक है। धीरे धीरे हमको धीरे आंच पे इसको हमको धीरे धीरे चला के भूनना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ये देखिए हम धीरे धीरे आँच पे भून रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि धीरे आँच है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसको हम धीरे धीरे आँच पे भून लेंगे क्योंकि मीठा सबको घर में बहुत पसंद होता है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, एकदम खोया जैसी बनती है। फिर हमारी सूजी हो गई, उसको उतारें, फिर एक पैन चढ़ाएँ, फिर उसमें जिस कटोरी से हम सूजी लिए थे ना उसी कटोरी से हमने दूध लिया है, जिस कटोरी से सूजी लिए थे ना उसी कटोरी से हम एक कटोरी दूध लिए हैं। जिस कटोरी से आप बनाइएगा उसी कटोरी से दूध लीजिएगा, ठीक है। हम इसमें इलायची डाले हैं दो, फिर इसमें ज़ाफ़रान डाले हैं। आपके पास ज़ाफ़रान है तो डालिए, नहीं कोई बात। और ये सूजी हम धीरे धीरे करके ना इसको चलाएँगे धीरे आँच पर, इसको हमको सब धीरे आँच पर करना है, ठीक है। ये देखिए ये धीरे धीरे आँच पर करके हमको अच्छे से भून लेना है। ये देखिए खूब अच्छे से, क्योंकि हमारी ये जो सूजी है ना खूब अच्छे से हो जाएगी, एकदम खोया जैसा तैयार होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, ये काला जाम बन के बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है, एकदम खोया जैसा। ये देखिए देखिए दिख रहा है ना खोया जैसा एकदम। ये देखिए हो गया, ये देखिए मेरा खोया रेडी हो गया। चूल्हा ऑफ करती हूँ। फिर शीरे के लिए हम बर्तन चढ़ाए, दो प्याले हम पानी डाले हैं, उसी प्याले से हम दो प्याले शक्कर डालेंगे। ये देखिए दो इलायची डाले हैं, फिर इसको हम शीरे को पकने के लिए रख देंगे। फिर ये जो हमारा तैयार हुआ था ना खोया, फिर ये देखिए हम उसकी गोली बना रहे हैं। कितनी देखिए इतनी आसानी से बन रही, ना हम घी लगाए ना कुछ लगाए, ये देखिए ज़बरदस्त। ये देखिए बस ऐसी सारी गोली हम तैयार कर लेंगे, ये आप देख रहे हैं ना जैसे वीडियो में। ये देखिए एकदम चिकनी बनती है, ना फटती है कुछ नहीं। इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। ये देखिए हमने गोली तैयार कर ली है, ये देखिए ऐसे सारी हम गोली बना लेंगे। फिर जो शीरा रखे थे ना पकने के लिए, मेरा शीरा रेडी हो गया। ये देखिए मेरा शीरा हो गया है रेडी, हम इसको उतार लेंगे। ये इसको हम चूल्हा ऑफ करेंगे, इसको हम उतार लेंगे। देखिए मेरी गोली सारी रेडी हो चुकी है। फिर हमें एक पैन चढ़ाएंगे साइड में, फिर उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है ना, बहुत तेज़ है, 20 के आँच पे हमने रखा था। इसको चेक कर लीजिए, बहुत तेज़ गर्म होगा क्योंकि ऊपर गोली चल जाएगी, बड़ी लाल होती है कच्ची रहेगी, और ये थोड़ा फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे ये सारी गोली हम डाल देंगे, जितनी आएगी उसमें सारी डाल देंगे अपनी।
देखिए सारी हम डाल चुके हैं, ये हो रही है, ऐसे हम धीरे धीरे हिलाएंगे इसको। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही, ये देख रहे हैं हल्की हल्की लाल हो रही है, जैसे देख वीडियो में दिख रहा है। ये देखिए हम इस चम्मच के से धीरे धीरे पलटेंगे। ये देखिए मेरी धीरे धीरे गोल्डन हो रही है। इस वक्त हमने तेज़ आँच की है। ये देखिए, देखिए तेज़ आँच पे खूब अच्छे से ये हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए हम टर्न कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं टूटती है ना, चिपकती है आपस में, बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए ये देखिए हो चुकी है, चूल्हा ऑफ कर देंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे कड़ू। ये देखिए जैसे ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है, एकदम लाल। अब इसको और थोड़ा गोल्डन करना चाहते हैं, पर और कर लीजिएगा, पर नहीं कि हमको इतनी अच्छी पसंद है, बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। फिर ये हम जो बच्चा था वो फिर डाल दिए हैं। ये देखिए जो शीरा था ना, वो शीरा थोड़ा गर्म होने के लिए रखे हैं। ये देखिए थोड़ा जब गर्म रहेगा शीरा ना, तब यह डालेगा थोड़ा से, मतलब चूल्हे पे रख दीजिए गर्म हो जाने को। फिर ये देखिए सारी काले जब हम डाल दिए हैं, फिर ऐसे डाल देंगे, इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई। इसको घर पे ज़रूर बनाइए, अगर बाहर नए आए हैं तो चैनल पे सब देगा देखे हुए सब्सक्राइब किया जाए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।